नई शुरुआत नहीं है, लेकिन हाँ एक शुरुआत है। सिर्फ एक्टिंग फील्ड या कोई भी फील्ड अब सिनेमा लाइन का नहीं, लेकिन ज़िंदगी के फील्ड में जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा आगे बढ़े हैं। इस गोवा वाले आपके ट्रिप में बहुत बढ़िया लगा कि जो भी बच्चे थे वो सीखना चाह रहे थे कि मुझे सीखना है, मुझे सौरभ शुक्ला से सीखना है, मुझे अमित सर से सीखना, मतलब क्या सोचते हैं वो, मुझे वैसा बनाना है। मैं लखनऊ में एक किसी इसी तरह के इवेंट में गया था, सारे बड़े स्टार्स के पोस्टर लगे हुए थे और जितने स्टूडेंट थे समझ में नहीं आया कि यार तुम बनना स्टार चाहते हो या एक्टर चाहते हो या एक ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हो। तो ये एक बड़ी अच्छी शुरुआत, इस तरह से शुरुआत तो काफ़ी हुई है, काफ़ी लोग इंस्टीट्यूट हैं, सब कुछ है, लेकिन ये एक अच्छे थीम को लेकर चलने वाली
इन लोगों का प्रयास है। संजय सर, आज भी लोग आपको एक्टर के तौर पर देखते हैं और जो आपकी जर्नी रही है सुपरस्टार से, अगर लोग आजकल एक्टर को चाहते हैं जैसे संजय मिश्रा, पंकज भाई, पंकज त्रिपाठी, हाँ, और भी कई सारे कलाकार हैं, नवाजुद्दीन, हाँ, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, कह सकते हैं अच्छे कलाकार हैं। अभी आप जिस तरह, हाँ फिर तू बोल, डर क्यों गया? हाँ, सही करते, तेरा दुश्मन है क्या? हाँ हाँ हाँ, बॉलीवुड ड्रीम्स में जितने सारे एस्पिरेंट आए, आपको लगता है कि इनमें क्या काबिलियत है, एक्टर बनने की है, हीरो बनने की है? नहीं नहीं नहीं, हीरो वाला दिन गया अभी, दुश्मन ही सर उसको मालूम है, वही बोल रहा क्या? नहीं, अब कंटेंट ओरिएंटेड चीजें हैं यार, देखो OTT प्लेटफॉर्म कितने लोगों को चांस दे रहा है, लोग वाह वाह कर रहे हैं यार। हमको इन बच्चों में कॉन्फिडेंस बढ़ाना है कि बॉस, एक कहते हैं ना, कौवा चले हंस की चाल, नहीं, जो तुम हो तुम हो, और वही दुनिया पसंद करेगी। हम अपने आप को अलग दिखाना चाहेंगे, चलेगा ही नहीं। घर में ससुर लुंगी पहनते हैं और यहाँ आके हवाईबाजी कर रहे हैं, तो वो सब ठीक तो बोल रहा हूँ मैं। हाँ चलो आगे आगे, हाँ ठीक है, अच्छी बात। सर, किस तरह आपका प्रोजेक्ट है, कैसे आपने पूरा स्टार्ट किया, 7 दिन का क्यों, से बड़ा भी हो सकता है, या क्या ये है? आइए आइए, जनता को बता सके, बबल ड्रिंक बताइए आपने फर्स्ट ईयर के जो है। बस ये 6 महीना पहले एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, क्योंकि मुझे पहले लगता था कि क्यों बी ग्रेड सिटी से जो लोग आते हैं, वो आके आ तो जाते हैं बॉम्बे में, बट बॉम्बे में पता नहीं कि उनको करना क्या है, कितने दिनों का दिनों में एक्टर बनेंगे, या कोई इंजीनियरिंग है कि 3 साल में कुछ हो जाए, और जानते नहीं। और बहुत सारे अनप्रोफेशनल लोगों से मिलते, वो कोई भाव चला जाता है, कोई हो नहीं पाता है, कुछ नहीं हो पाता है, कोई 5 साल से काम नहीं कर पाता। तो एक आइडिया मुझे मिला, मैंने कृपाल जी, मेरे टीम, सपना जी, सबके साथ ये की कि एक ऐसा ये कुछ बनाएंगे जहाँ रियल एक्टर जैसे संजय भाई है, जो जिन्होंने स्ट्रगल करके, आज वो भी बी टाउन से आए हैं, मगर स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचे हैं, ऐसे कोई प्लेटफॉर्म बन सकता है क्या? फिर हमने संजय भाई से मैंने बताया, जब संजय भाई ने सुना, संजय भाई ने पूरा सपोर्ट किया कि हाँ ये करना ही है, मैं तुम्हारे पीछे हूँ राजेश, और सबके पीछे हूँ, मुझे करना है। फिर हमने पूरी टीम तैयार हुआ, और आज इतना बड़ा सब 7 दिन में हमने 19 एक्टर एक्ट्रेस, मेंटल जो डॉक्टर हैं, मेंटल कोच हैं, सबको हम बुलाए। अच्छा, इतना आसान तो नहीं रहा होगा कि सारे एक्टर जैसे संजय जी हैं और बहुत तमाम लोग, इतना आसान नहीं रहा होगा सबको मनाना, किस प्रकार से उनको आपने अप्रोच किया, कैसे मनाया थी? बहुत बहुत मुश्किल था, मैंने भी वो स्टेज पे बोला, लोग हमें पागल बोल रहे थे कि आप पागल हो क्या, ये पेपर थे, बट ठीक है, जब कुछ भी आता है और संजय भाई जैसे मेंटर मिलते हैं तो आसान हो जाता है। अच्छा, मैम से जानना चाहूँगा कि आपने स्टार्ट से लेके अब तक ये आज पूरी जर्नी देखी है, क्या या आपके इमोशन जरा बताना चाहेंगे? इमोशन तो लाइक इमोशनल ही है, जब मैं खुद सुनी थी तो मैं खुद ही भरोसा नहीं कर पाई थी कि ऐसा कुछ हो सकता है और ऐसा कुछ हो पाएगा। तो जब राजेश जी कोई सपना देखते हैं तो उसे किसी भी कीमत पे फुलफ़िल करते हैं, और वो जिस जुनून के साथ काम करते हैं, और हम सब भी उनके साथ काम पे लग जाते हैं, तो सबसे बड़ी बात है उनके साथ बहुत कंधे से कंधे मिला के कृपाल जी ने उनका साथ दिया, और ऑब्वियसली हम सबके साथ हैं संजय सर, जो कि दिन रात हमारे साथ थे, और उन्होंने ही सारे कोऑर्डिनेशन और सबको, सारे जो इतने एक्टर्स को बुलाने में, और ये जो बॉलीवुड ड्रीम्स जो सीजन 1 सक्सेस हुआ, उसके पीछे किरण भाभी का भी बहुत बड़ा हाथ है। सर से जानना चाहूँगी, सर आपने यहाँ जो बॉलीवुड टिकट दिए हैं किस प्रकार टिकट है? ये हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है हमारे कंपनी के साथ, और उनको अभी हम काम दे रहे हैं रिसेंटली, वो कॉन्ट्रैक्ट है, काम की कॉन्ट्रैक्ट है, तो सबको काम की कॉन्ट्रैक्ट, किसी ना अभी सबको अलग अलग, जो अलग अलग लोग हैं, अलग अलग ये में हमने देखा है उनको क्या मिलना चाहिए, उस हिसाब से वो कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो शूटिंग की कॉन्ट्रैक्ट है, काम की कॉन्ट्रैक्ट है। नया चीज़ आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे बहुत जल्दी, जगह भी बताएंगे, और हम कलाकार भी बताएंगे कौन कौन जा रहे हैं और कहाँ कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो आपको बताएंगे जरूर।
पाजी आप भी कुछ कहना चाहेंगे साथ में जो कुछ जो मोहंती जी ने जैसा सपना देखा था तो हमारा सबका इकट्ठे मिलके जो हमने एफर्ट्स किए तो उसका तो आप सबने आज यहाँ पे देख ही लिया है कि कैसे वो सक्सेस होके गया है। बाकी संजय भाई जैसे लेजेंड्स जब साथ में मिल जाते हैं तो कोई भी मुश्किल पार हो सकती है। तो सलाम है इन लेजेंड्स को जिन्होंने इस इंडस्ट्री को जिया है, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस वहाँ पर आके सबको दिया तो वो बहुत कुछ सीखने वाला था। जो रूट्स होते हैं वो वहाँ पे लोगों को पता लगे कि कैसे हम इंडस्ट्री में जीना चाहिए, क्या करना चाहिए, बेस क्या है इस इंडस्ट्री, तो वो इन लेजेंड्स से ज़्यादा कौन बता सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है इनका जो आके इन्होंने सबको बहुत अच्छा गाइड किया। सर एक बार दर्शकों को बता दें कि जो नई ब्रांच कहाँ कहाँ खुली है या दर्शकों को बताएं तो उसका लाभ। हम फ्रेंचाइजी हमारा ऑलरेडी पंजाब, भुवनेश्वर, दिल्ली, पुणे, ये चार जगह पर खुल चुके हैं। टोटल हम 12। आपसे सवाल ये है कि यहाँ पे कुछ चुनिंदा लोग जिन्हें बॉलीवुड का टिकट मिला, लकी है या जो भी आप कह लें, लेकिन वो लोग जो जिसे कहा सर ने टायर टू टायर किसी किसी कम गरीब तबके के हैं जो एक्टर बनना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं जिनके पास ज़्यादा कुछ सोर्सेस नहीं है, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? ये सही प्लेटफॉर्म है, सोर्सेस से कोई एक्टर नहीं बनता, सोर्स और पैसे से कोई एक्टर नहीं बनता। आप आइए इसमें, हम लोग कोशिश करेंगे कुछ ऐसे भी लोगों को लाएं जो थोड़े वैसे तबके से हैं जिस तबके का मैं था। हम लोग कोशिश करेंगे, बिल्कुल 100% करेंगे। एक बड़ी अच्छी चीज़ इसके बाद मैं जब यहाँ खड़ा था तो सोच रहा था जैसे हर विद्यार्थी को शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है, जैसे इसमें आए थे टीचर्स, वैसे हर टीचर्स को अच्छे विद्यार्थी की भी जरूरत मतलब चाहिए होता है। तो हमारी अगली कोशिश ये रहेगी, मतलब हम सक्सेसफुल तब हो पाएंगे जब कोई इंडस्ट्री का कोई ऐसा आदमी जो समझदार हो, काबिल हो, वो कहे कि यार मुझे इस में जाना है, समझो गुरु, कि मुझे यहाँ पे अगर पढ़ाने का मौका मिले तो मज़ा आ जाए, तो ऐसा सा कुछ है। और बाकी देखा जाएगा, एक बहुत ग्लैमरस वर्ल्ड तो इसमें थोड़ा सा बजट कम, खुजली ज़्यादा, ऐसे लोगों लाएंगे हम लोग, बिल्कुल लाएंगे, मैं हूँ तो ज़रूर लाऊंगा। बड़ा हंस रहा है, देख लो कैमरा भी नहीं पकड़ पा रहे। हाँ भैया, ये 12 लोगों को मिला। अभी हम हर सिटी में ऑडिशन करेंगे, ऑडिशन करके प्रॉपर लोगों को हम ऑडिशन के थ्रू लाएंगे। मैं इसमें एक और चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि यहाँ पे सिर्फ एक्टर्स नहीं आ सकते इस मंच पे, कोई राइटर बनना चाहता है, कोई डायरेक्टर बनना चाहता है, बॉलीवुड से रिलेटेड कोई भी फील्ड, कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है, कोई अच्छा इंसान बनना चाहता है। बहुत कुछ सीखने को मिला था वहाँ पे, हम लोगों को भी, हम लोग खुद सीखे हैं वहाँ पे, बहुत कुछ इन लोगों से सीखा क्योंकि इनका जो एक्सपीरियंस है वो इन्होंने वहाँ पे जाके हमें बताया, तो वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला हर एक के लिए। सवाल ये रहेगा कि कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है और कंपनियाँ भी है जो एक्टिंग के बहाने लोगों को पैसा ठगती है, लोगों का जो मुंबई एक्टिंग करने आते देखो, ठगे जाने वाले तो इलाहाबाद में भी ठगे जाते हैं और बनारस में भी ठगे जाते हैं, मथुरा में भी ठगे जाते हैं, हर जगह ठगे जाते हैं। सवाल होता है कि सोच विचार करके, हाँ गुरु मैं तुझे दोस्त बनाऊंगा, ये वाली बात होती है। संजय मिश्रा के साथ कभी ऐसा घटना हुआ है? ना, इतना पैसा ही नहीं कि कोई ठगे। चलो गुरु भाई, ठीक है, कुछ बताना आप लोग को। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओह।